384 उम्मीदवार उतरे तो क्या बैलेट पेपर से होगा चुनाव? दिग्विजय का दाव चला तो किताब जैसा बनेगा बैलेट पेपर, कैसे मिलेंगे इतने कैंडिडेट्स? आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मेरी लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या फिर ईवीएम से? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। अब एक ही रास्ता बचा है, राजगढ़ लोकसभा में यदि 384 उम्मीदवार खड़े होंगे तब जाकर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। ये बयान राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का है। वे इन दिनों वादा निभाओ पदयात्रा पर हैं। जहां जा रहे हैं वहां इस बात को दोहरा रहे हैं। न केवल दिग्विजय सिंह बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव करवाने के लिए कुछ ऐसी ही दलील दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह की इस मुहिम पर प्रदेश कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि केवल राजगढ़ नहीं बल्कि जहां सभा होगा वहां 400 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। जाना कि हर सीट पर यदि 400 उम्मीदवार मैदान में डटे रहे तो चुनाव आयोग कैसे मुश्किल में पड़ जाएगा? क्यों ईवीएम छोड़कर मतपत्र से चुनाव कराने पड़ेंगे? क्या कहते हैं एक्सपर्ट और क्या कहना है चुनाव आयोग का? दिग्विजय की बात में कितना दम है? चुनाव आयोग के किसी सर्कुलर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर वोटिंग मतपत्र से होगी, लेकिन इस बात में दम है कि मौजूदा ईवीएम में 384 से ज्यादा उम्मीदवारों का उल्लेख नहीं हो सकता। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत कहते हैं कि ये सही है, 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर ईवीएम से चुनाव कराना मुश्किल होगा। आखिर क्यों? इसकी वजह बताते हुए रावत कहते हैं कि वर्तमान ईवीएम की एक बैलेट यूनिट से अधिकतम 16 नाम हो सकते हैं। अधिकतम 24 बैलेट यूनिट एक ही साथ जोड़ी जा सकती है। 16x24 के हिसाब से 384 उम्मीदवारों के नाम ही ईवीएम में हो सकते हैं। रावत कहते हैं कि चुनाव आयोग के पास फिर वही विकल्प है कि मतपत्र से वोटिंग कराएं, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होगा। जब 400 उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर भी 30 से 40 पेज का बनेगा। इसके लिए मतपेटी भी नए सिरे से डिजाइन करनी होगी जिसमें 30 से 40 पेज का एक बैलेट पेपर जा सकेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।